फाइंड द सर्फेस एरिया ऑफ ए स्फेयर ऑफ डाया मीटर फोर्टीन सेंटीमीटर ट्वेंटी वन सेंटीमीटर एंड थ्री पॉइंट फाइव मीटर्स तो हमें तीन अलग अलग डाया मीटर के स्फेयर गिवन हैं हमें उनका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है वेरी सिंपल जैसे पिछले टटोरियल में मैंने आपको बताया था कि किसी भी स्फेयर का सरफेस एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है फोर पाए आर स्क्वेयर ये कोई स्फेर है इसका जो बिल्कुल ऊपर सरफेस बनता है इसका एरिया इसके बराबर होता है यानी कि फोर टाइम्स एरिया ऑफ ए सर्कल ठीक है तो पहला केस क्या है मेरे पास पहले केस में डायमीटर मुझे गिवन है फोर्टीन सेंटीमीटर तो सिंपल सी बात है रेडियस कितना आ जाएगा फोटीन बाय टू यानी कि सेवन सेंटीमीटर अब इसका सरफेस एरिया कितना है अब यहाँ तो इसको सरफेस एरिया बोलो चाहे इसको कर्व्ड सरफेस एरिया बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये सब तरफ से कर्व्ड है राइट right? तो इसका चाहे सर्फेस एरिया बोलो चाहे कर्व सर्फेस एरिया बोलो इट्स वन एंड द सेम थिंग और ये कितना आ जाएगा फोर पाए आर स्क्वेयर विच इज इक्वल टू फोर इन टू पाई की वैल्यू हम यूज करेंगे ट्वेंटी टू बाई सेवन कुछ नहीं गिवन तो ट्वेंटी टू सेवन यूज होगी इन टू सेवन स्क्वायर ठीक है रेडियस सेवन था तो आर स्क्वेयर यानी कि सेवन स्क्वायर और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा सिक्स वन सिक्स सेंटीमीटर स्क्वेयर ये सिंपल सी कैलकुलेशन आप खुद ही कर लेना दिस इज योर आंसर सिमिलरली दूसरे क्वेश्चन में मुझे डायमीटर कितना गिवन है ट्वेंटी वन सेंटीमीटर तो दिस एम्प्लाइज रेडियस मेरा कितना हो गया ट्वेंटी वन बाई टू यानी कि टेन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर तो सरफेस एरिया मेरा कितना आ जाएगा र स्क्र फोर पाएर विच इज एक इंटू ट्वेंटी टू बाई सेवन इंटू आर है इसमें टेन पॉइंट फाइव इसका होल स्क्वा और ये सिंपल कैलकुलेशन जब आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा वन थ्री एट सिक्स सेंटीमीटर स्क्वायर सिमिलरली मेरे पास थर्ड क्वेश्चन है लेकिन इसमें सिर्फ ये है कि डायमीटर जो है सेंटीमीटर्स की बजाय मीटर्स में दिया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता 3.5 मीटर्स दिस एम्प्लाइज आर मेरा कितना आ जाएगा 3.5 पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई टू विच इज इक्वल टू वन पॉइंट मीटर्स अब आर की ये वैल्यू जब आप इसके इस फॉर्मूला में डालोगे फोर पाई आर स्क्वायर में तो आपका सरफेस एरिया आ जाएगा 38.5 मीटर स्क्वायर तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन थर्ड सम के लिए आप खुद ही कर रहे ना So that's it from this tutorial. Keep watching, Mathemafia.